आईपीएल में हर साल तमाम रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, कुछ इसी तरह का माहौल आने वाले आईपीएल सीजन 13 में भी रहेगा, जहां इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा सकता है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके हमवतन सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान हैं। एक तरफ हिटमैन रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 4 बार आईपीएल का खिताब जिताया है, तो वहीं दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार आईपीएल चैंपियन बनी है। लेकिन एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें रोहित शर्मा धोनी से पीछे हैं। तो ऐसे में आने वाले आईपीएल सीजन में रोहित की नजरें माही के उस खास रिकॉर्ड पर रहेंगी। साल 2019 का आईपीएल का खिताब रोहित शर्मा की टीम ने जीता था। इस आधार पर बतौर कप्तान रोहित के सामने आईपीएल टाइटल डिफेंड करने की चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी मुंबई इंडियंस अपने विनिंग टाइटल को बचाने का मौका मिला है, टीम उसमें असफल रही है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने ये करिश्मा पहले किया है, तो ऐसे में रोहित शर्मा की नजरें माही के इसी कारनामे की बराबरी करने पर रहेंगी। अगर मुंबई इंडियंस आईपीएल 13 को जीतती है तो रोहित शर्मा धोनी के बाद दूसरे ऐसे कप्तान होंगे जो अपना विनिंग टाइटल डिफेंड करेंगे। माही की टीम ने कीर्तिमान आईपीएल 2010 और 2011 में हासिल किया था। गौर किया जाए तो रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस के आईपीएल प्रदर्शन पर, तो मुंबई ने साल 2013, 2015, 2017 और 2019 में आईपीएल ट्रॉफी पर अपना नाम दर्ज कराया। इसके अलावा साल 2010 में मुंबई इंडियंस आईपीएल की उपविजेता रही है। हालांकि मुंबई के लिए आईपीएल सीजन काफी चुनौती भरा रह सकता है, क्योंकि यूएई में मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड बेहद ही खराब है। साल 2014 को आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने अपने 5 मैच यूएई के मैदान पर खेले थे और सभी में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में सबकी नजरें होंगी यूएई में खेले जाने वाले आईपीएल मैचों पर कि कौन इस आईपीएल सीजन का खिताब जीतता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।